different between the larva of Anopheles mosquito and Culex mosquito. So Anopheles mosquito के larva में has no spawn इसमें मौजूद नहीं होते, इसमें हमारे पास spiracles मौजूद होते on the 8th abdomen segment, 8th abdomen segment पर इसमें हमारे पास spiracles मौजूद होते हैं जो ear sacs होते हैं, जिसको हम ear sac भी कहते हैं, जिसके ज़रिए ये क्या करती है, breathing करती है. larva lie parallel to the surface of the water, इसकी जो larva होती है वो surface of water की तरह की water बिल्कुल parallel होती है, एक दूसरे से जुदा जुदा होती है, पैरेलल मीन लाइक कि एक दूसरे को टच नहीं करते. स्पेशल अम्ब्रेला स्टक हियर विच हेल्प इन फ्लोटिंग, और इस पर जो है खास अम्ब्रेला की अम्ब्रेला नुमा शक्ल के बाल्स होते हैं जो को उसको फ्लोटिंग में मदद करते हैं. किस चीज़ में करती है, फ्लोटिंग में मदद करती है. सो हैज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस पर क्यूरिक्स मॉस्किटो के लार्वा पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पाइन कहते हैं. ये जो है इसके आठवीं एब्डोमिल पर मौजूद होते हैं, एब्डोमिल सेगमेंट्स पर मौजूद होते हैं. विच डे ब्लीड, जिसकी वजह से वो क्या करती है, सांस लेती है, ब्रीथिंग में क्या करती है, मदद करती है. ऑन नाइन सेगमेंट, नवे हिस्से पर इसमें क्या, एब्डोमिल सेगमेंट बियर्स एंड गिल्स, इस पर क्या होते हैं, गिल्स मौजूद होते हैं. इसके नाइनवे हिस्से पर क्या होते हैं, गिल्स मौजूद होते हैं. बाज़ औक़ात ये भी क्या करती है, इसको मदद देती है ब्रीथिंग में मदद करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं, स्पाइंस मौजूद होते हैं. ये देखें ना कि आप लोग क्यूलिक्स और एनोफिलीज मॉस्किटो के लार्वा को देखें. ये एनोफिलीज मॉस्किटो की लार्वा है, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो है स्पिरिकल्स मौजूद होते हैं, और स्पिरिकल्स के ज़रिए फिर वो क्या करती है, ये इसके ज़रिए ब्रीथिंग करती है. और इसमें ये छतरी नुमा बिल्कुल छतरी की तरह ये क्या है, ये बहियर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जिसको ये प्लोटिंग में मदद देती है. और ये बिल्कुल पैरेलल होती है वाटर के साथ, ये क्या होती है, पैरेलल होती है. जबकि ये देखें ना, ये इसमें स्पाइन मौजूद होता है स्पाइन के ज़रिए, और इसमें नाइन्थ हिस्से पर क्या होते हैं, गिल्स भी मौजूद होते हैं जो जिसके ज़रिए बाज़ औक़ात ये ब्रीथिंग करती है. इसमें स्पाइन मौजूद नहीं होता, और इसमें भी ये क्या करता है, ये 45 डिग्री एंगल बनाता है. अगर ये हमारे पास वाटर है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वाटर, ये हमारे पास वाटर है तो ये इसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा. फॉर एग्जांपल दिस इज़ वाटर, अगर ये हमारे पास वाटर है तो ये इसके साथ तकरीबन इसके एब्डोमेन 45 डिग्री एंगल्स जो है वो क्या करती है, वो बनाती है. ठीक है ना. सो दिस इज़ अबाउट द लार्वा ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो के लार्वा के बारे में. सो द क्यूलिक्स एंड एनोफिलीज लार्वा आर हियरिंग, अगर क्योंकि हमारे पास जो होते हैं क्यूलिक्स और एनोफिलीज दोनों मॉस्किटो जो होते हैं, इसकी जो लार्वा होती है, इसकी लार्वा पर क्या होती है, इसकी लार्वा पर हियर्स होते हैं, हियर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ड्यूरिंग टू वीक्स द मॉस्किटो रिमेन लार्वा, दो हफ्तों तक मॉस्किटो क्या होती है, लार्वा होती है. दो हफ्तों तक मॉस्किटो का जो लार्वा स्टेज है वो रहता, देन एंटर इन टू द प्यूपल स्टेज, और फिर ये क्या हो जाती है, प्यूपल स्टेज में एंटर हो जाती है. किस स्टेज में एंटर हो जाती है, प्यूपल स्टेज में एंटर होती है. ड्यूरिंग टू वीक्स, दो हफ्ते तक डेट द मॉस्किटो रिमेन अ लार्वा एज लार्वा, मॉस्किटो जो है वो लार्वा रहती है, और इसके बाद जो है दो हफ्ते बाद वो प्यूपल स्टेज में एंटर हो जाती है. सो व्हाट इज़ द प्यूपल स्टेज, प्यूपल स्टेज के बारे में पढ़ते हैं कि प्यूपल स्टेज क्या होता है. प्यूपल स्टेज, द बॉडी ऑफ प्यूपल इज लाइक डेट ऑफ द लार्वा, इसका जो प्यूपल का जो शक्ल है प्यूपल स्टेज में भी बिल्कुल ये जो है लार्वा की तरह होती है, बिल्कुल लार्वा की तरह होती है. कंसिस्ट ऑफ हेड टॉरिक्स एंड एब्डोमेन, ये भी ये तीन हिस्सों में तकसीम होता है, हेड टॉरिक्स एंड एब्डोमेन पर मौजूद होता है. द टॉरिक्स एंड एब्डोमेन आर स्मॉल एंड कर्व्ड, लेकिन सिर्फ छोटा सा डिफरेंस होता है कि इसका टॉरिक्स और एब्डोमेन जो है वो क्या हो जाता है, वो कर्व्ड हो जाता है, कर्व्ड जो हो जाता है और एक कॉमा बनाता है, एक कॉमा की शक्ल बनाता है. किस चीज़ की शक्ल बनाता है, कॉमा की शक्ल बनाता है. ठीक है ना, एक और हो जाती है और कॉमा की शक्ल बनाती है. जैसे आप लोग देखें
जबकि प्यूपा इज जस्ट लाइक अ लार्वा, प्यूपा जो है वो बिल्कुल लार्वा की तरह होती है। कंसिस्ट ऑफ हेड टॉरिक्स एंड एब्डोमिन, एयर में हेड टॉरिक्स एंड एब्डोमिन होते हैं। द हेड इज़ वेरी लार्ज, इसका सर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। द टॉरिक्स एंड एब्डोमिन आर स्मॉल एंड करोड, और इसके जो टॉरिक्स और एब्डोमिन है वो स्मॉल हो जाते हैं और करोड़ हो जाते हैं। करोड़ हो जाते हैं कि बिल्कुल कामों की तरह, कामा की तरह तकरीबन इस तरह का शक्ल बनाते हैं। दिस इज़ कामा, कामा की तरह बिल्कुल शक्ल बनाता है, कामा की शक्ल। हाउएवर व्हेन डिस्टर्ब, जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है, क्या किया जाता है, जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है, इट्स स्विम, अगर पानी में कोई पत्थर फेंका जाए या बाज़ औक़ात पाँव वगैरह रखा जाए तो ये बिल्कुल तेज़ी से क्या करता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है और ये क्या करता है, ये स्विमिंग शुरू कर देता है एंड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ पानी की तह तक पहुंच जाती है, नीचे की तरफ जाती है, पानी की तह तक चली जाती है। बट आफ्टर बैक टू द सरफेस ऑफ, लेकिन बाद में जब ये डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाती है तो वापस जो है वाटर की सरफेस पर आ जाती है, वाटर की सरफेस तक क्या हो जाती है, ये आ जाती है। आप लोग देखें प्यूपा को, देखें प्यूपा को भी डाइग्राम में देखें, ये दोनों के प्यूपास है बिल्कुल एक जैसी है। ये देखें कि इसका हेड जो है वो बढ़ जाता है, ये तकरीबन इसको हम प्यूपेरियम स्टेज भी कहते हैं, और ये जो है इसका टॉरिक्स और एब्डोमिन जो है बिल्कुल कामे की तरह शक्ल बना देता है, क्या करोड़ हो जाती है और कामा की शक्ल बनाता है, और इसका हेड जो है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, इसका हेड बढ़ जाता है और कामा की शक्ल बनाता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास फिर एमेगोस्टेज है, एमेगोस्टेज जो है वो क्या है, हमारे पास जो है वो एमेगोस्टेज है जिसको हम क्या कहते हैं, एमेगो स्टेज, एमेगो और एडल्ट स्टेज। सो टू और थ्री डेज आफ्टर एंटरिंग द एमेगो स्टेज, दो या तीन दिन बाद जब ये एमेगो स्टेज में एंटर हो जाती है, एडल्ट स्टेज में हो जाए, द स्किन ऑफ प्यूपा ब्रस्ट अलोंग द अपर सरफेस, तो जो प्यूपा का वो प्यूपेरियम होता है वो स्किन हो जाता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, द अपर सरफेस पानी की सतह पर क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है। टू रिलीज द यंग एडल्ट मॉस्किटो, इससे क्या हो जाती है, जब ये टूट जाता है तो इससे यंग एक बालक मॉस्किटो या यंग मॉस्किटो जो है उसे निकल जाता है, एट्रेस्ट ऑन प्यूपा, और प्यूपा पर होता है, पर प्यूपल की किसी हिस्से पर क्या होता है, ये बैठा हुआ होता है। केयर फॉर वाइल एग चंद सेकंड के लिए टू ड्राई एयर स्विंग, इस अपने पर को क्या करें कि अपने पर को खुश करें और हार्डन और उसको साख करें। एमेगो स्टेज क्या होता है, तीन दिन बाद जब ये एमेगो स्टेज में एंटर हो जाते हैं, द प्यूपा द स्किन ऑफ द प्यूपा ब्रस्ट ओपन, तो ये जो प्यूपा स्टेज है जिसको हम प्यूपेरियम भी कहते हैं, ये इसका अपर सरफेस पर आ जाती है और ये क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, टूट जाती है, और जब ये ब्रस्ट हो जाती है तो इससे एक यंग मॉस्किटो हमारे पास निकल आ जाता है। टू रिलीज द यंग मॉस्किटो, थोड़ी देर ये प्यूपल के किसी हिस्से पर बैठा हुआ होता है चंद सेकंड, चंद मिनट्स के लिए, कि ये अपने पर को जो है वो क्या करे, वो खुश करे, ड्राई करे, एयर स्विंग टू ड्राई एयर स्विंग, कि अपने पर को खुश करे एंड हार्डन और उसको सख करे। द एडल्ट मॉस्किटो लिव फॉर अबाउट टू और थ्री वीक्स, और जो एडल्ट मॉस्किटो है वो हमारे पास तकरीबन दो या तीन हफ्तों तक वो ज़िंदा रह सकता है, कहाँ दो या तीन हफ्तों तक एक एडल्ट मॉस्किटो हमारे पास क्या होता है, वो ज़िंदा रह सकता है। इसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन एरोप्लीज मॉस्किटो एंड क्यूरिक्स मॉस्किटो, दोनों के बारे में क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन इसके इसमें डिफरेंस फ़र्क को क्या करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह।